ऐसा रहेगा ना, यूट्यूब छोड़ना पड़ेगा यार भाई। तुमको पता हम यूट्यूब छोड़ रहे हैं यार हमें। क्यों? अरे मैं चोट वोट लगने का भी डर लग रहा है, तो इसी के लिए मंगाया हमने ये। कहाँ जा रही है? स्कूल? कौन से क्लास में? आजकल ना मॉर्निंग में हमारा बहुत ज्यादा काम होता है, और मम्मी ने ना एक नई स्टाइल निकाली है। मम्मी ना आगे से तो पकड़ नहीं सकते, तो मम्मी ने पीछे से बात दिया नमो को मॉर्निंग मॉर्निंग में। कैसा वाला है? कैसा अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा, अच्छा लग रहा मम्मा मस्त, ले जाओ मम्मी। वो दा मेरे बुग्गी को कैसे बात दिया है, मेरे बुग्गी को कैसे बात दिया है। ऐसा रहेगा ना, यूट्यूब छोड़ना पड़ेगा यार भाई, क्योंकि ना यार रोज उसका प्रॉब्लम हो चुका है। ऐसा मान ले नेटवर्क ही नहीं है, दो दिन से लगातार वीडियो पोस्ट नहीं हो रखी है। फिलहाल मैं भी ये वीडियो पोस्ट करने कपूर जा रहा हूँ, ये ब्लॉग थोड़ा लेट आएगा, तो चलते हैं फटाफट से नेटवर्क जोन में जाता हूँ। और आज ब्रत है हम दोनों का, लाइट भी नहीं है, नेटवर्क भी नहीं है, वीडियो पोस्ट कर रहा था कब से, दिखाता हूँ आपको कि बिल्कुल भी नहीं, पेज ही खुल नहीं रहा बिल्कुल भी। देखिए दोस्तों, नेट इतना स्लो चल रहा है, ऐसे में वीडियो अपलोड करने की सोचूँ घूम ही रहा है बिल्कुल, दूसरा पेज नहीं खुल रहा है, ये देखो यही नहीं खुल रहा है भाई। वीडियो को मैंने कल रात से अपलोडिंग लगा दी थी, अभी तक सिर्फ 4% हुई थी, सुबह से दिखाया था, वेट ही कर रहा था। एक ट्राई कर लेते हैं, 3 GB की फाइल है, कह जाएगी भाई ऐसे नेट में। यार तो मुझे घर पे बस गए हैं, अब पता नहीं कितना टाइम लगता है यार। ये देखो ये है रोड, ये है देखो ये है रोड भाई, ये है रोड, ये है, ये कर्मी मोटर मार गए है। मेरे को 25 साल हो गए भाई, मैंने ये रोड ऐसी देखी भाई अभी तक। ये देखो ये है रोड, ये है रोड भाई, साफ से बात में दिखा रहा हूँ, आज खुला दिखा रहा हूँ आप लोगों को, और खुले भावनाओं से बात कर रहा हूँ आप लोगों से। ये है रोड हमारे यहाँ की, देखो ये है सच्चाई भाई गवर्नमेंट की हमारे। ये देखो ये गड्ढे, नाले ऐसे नाले ऐसे छोड़ रखे हैं ये। अब 2 महीने बाद चौमास आने वाला है पहाड़ों में, इसके बाद ये आश्वासन देके जाएंगे, अगले बार ये रोड सही हो जाएंगे, गड्ढे भर जाएंगे। अभी गर्मियाँ स्टार्ट हैं भाई, अभी कुछ काम चालू नहीं है हमारे वहाँ। हमारे वहाँ की रोडें ऐसी हैं भाई, ये मैं आप बहुत लोग कहते हैं कि दिखाते नहीं, ये हैं भाई। बस हम विकास चाहिए भाई हमको, हम युवा हैं, हमको ज़रूरत है नेटवर्क की, रोड की, साफ सी बात है। दोस्तों फाइनली मैं कपकोट पहुँच चुका हूँ, और ना वीडियो भी अपलोड लगा दी है मैंने यहाँ पर, यहाँ थोड़ा स्पीड सही है 5G वाली। हमारे गाँव में इंटरनेट की सुविधा इतनी गंदी है ना, क्या ही बताऊँ यार, ऐसा तो रहेगा, रोज यहीं आना पड़ेगा हमको। फाइनली सारे काम हो चुके हैं, अब चलते चलते घर की ओर, बस फेसबुक में अपलोड नहीं हुई यार, शाम तक कर लूंगा शायद नेट आएगा तो। फाइनली घर पे पहुँच चुका हूँ, और यहाँ पे हमारा नमन खा रहा है खाना, खाने में खा रहा है खिचड़ी। वाओ गुड, आ गुड बॉय। तो ना नमन का एक पार्सल आया भूमि, हाँ ये देखो, और नमन के ना एक यूजफुल हो सकता है वो थी। तो दोस्तों इस पार्सल में ना बहुत यूजफुल चीज है नमन के लिए, नमन को इसकी नीड थी आजकल बहुत ज्यादा, कि नमन आजकल ना पैरों के और हाथों के बल चलने लग गया है, तो गिर भी जा रहा है, तो इसके सर में चोट वोट लगने का भी डर लग रहा है, तो इसी के लिए मंगाया हमने ये। इसके अंदर कैसा चीज है, क्या है वो दिखाता आप लोगों को, तुमको भी नहीं पता ना क्या सर में पहनने का कुछ होगा ना, सर को बचाने वाला। अच्छा पहले खाना खाए कि देखे मम्मा, पहले देख लेते हैं यार, पापा पार्सल देखना जरूरी है यार, पार्सल देखने में जो खुशी आती है ना वो खाना खाने में नहीं आती। मंगाए तो मैंने अच्छा ही था, लेकिन तो गाइस मैंने मंगाया था ये, इसमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, खोलो इसको। समझ गई, बहुत अच्छा ठीक है, हाँ। पहनाओ इसको अच्छे से बनाओ ना, इसमें ना ऊपर छेद भी है जिससे गर्म भी नहीं होगा, और ये टाइल वगैरह में ना अपना सर भी नहीं लगाएगा ना। तो दोस्तों ये प्रोडक्ट यूजफुल है नहीं है कमेंट बॉक्स में बताना, और मेरे को तो ना यूजफुल लग ही रहा है, क्योंकि ना ये टाइल वगैरह में चलना सीख गया आजकल, तो पीछे पड़ जाता है कहीं भी तो सर लग जाता है, तो इससे ना सर बचे रहेगा इसका। कहाँ जा रही है? स्कूल? कौन से क्लास में? तो दोस्तों भूमि लगा रही है मेहंदी सर पे, क्योंकि मेरे बाल बहुत जड़ रहे हैं और रूखे सूखे ऐसे हो रखे हैं, ऐसे बहुत टाइम पर लगा रही ना, कितना टाइम हो गया? शादी के बाद एक ही बार लगाया, 2 सालों नाले शादी को, देखता हूँ कैसा कलर आता है, फाइनल लुक दिखाऊंगा दोस्तों। अभी पहाड़ी दस्ताने बन रहे हैं दोस्तों, इनसे हाथ में मेहंदी नहीं लगेगी। अपने बालों में मेहंदी लगाने के बाद मैंने हेड वॉश भी कर लिया है, बाकी अब मेरे बाल ना काफी ज्यादा सॉफ्ट हो गए। और तुम तो लगाई थी रेड मेहंदी, लेकिन ये ब्लैक ही दिख रहा है मेरे को अभी। अरे ये वैसे रेड थोड़ी ना हो जाते हैं फिर, तो? मतलब हल्के हल्के ना ब्राउन टाइप के होते हैं, कल धूप में चमकेंगे। अच्छा धूप में चमकते हैं,
बहुत ज्यादा गिर रहे थे ना, इसलिए मैंने करा। और बहुत सारे लोग कमेंट में बोलते ना, तुम अपने बालों में क्या लगाती हो? हाँ, तो मैं लगाती हूँ नेहा मेहंदी, और उसमें ना कभी कभी मैं ऐड करती हूँ चुकंदर। चुकंदर का जो रस होता है ना, उसको डाल दिया मेहंदी में। और काफी लोग तो अंडा वगैरह यूज करते हैं, वो तो मैंने आज तक यूज करा है नहीं, क्योंकि अंडे की ना बहुत गंदी स्मेल आती है। बस और कुछ यूज नहीं करती मैं, और तो और मैं कंडीशनर भी यूज नहीं करती, और ऑयली शैम्पू यूज करती हूँ, और शैम्पू करती हूँ मैं डव का यूज, और ऑयलिंग करती हूँ सरसों का तेल। बस इतना ही मेरे बालों का राज। लेकिन मैं इनको कटवाना चाह रही थी, लेकिन मेरे हस्बैंड जी नहीं कटवाने दे रहे हैं। इतने अच्छे बाल, इतने घने बाल, कौन कटवाने देगा? घने नहीं है यार, अभी उलझ रहे हैं। क्यों? अभी मैं बनाई नहीं है ना। आज हमारा मंगलवार का व्रत है, तो मैं बनाने लग गई हूँ पूरियाँ। और ये पूरियाँ ना मीठी पूरियाँ हैं, और मैं बना रही हूँ गैस में, और साथ ही साथ मैं आज ये भी बना रही हूँ ना खीर, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था खीर नहीं खाई थी, तो खीर खाने का मन भी हो गया था, तो मैं दोनों चीज़ बना रही हूँ, क्योंकि दोनों चीज़ ना मीठी ही है, तो फटाफट से बना लेती हूँ। और आज पापा भी घर पर नहीं है, और जेठ जी भी घर पर नहीं है, वो अपने ना ससुराल गए हुए हैं महक से मिलने के लिए। मम्मी मैं और मेरे हस्बैंड जी नमन और गोल्डी घर पे हैं, तो फटाफट से खाना भी बना लेती हूँ, और मेरे हस्बैंड जी भी मेरी हेल्प करेंगे। करोगे? थोड़ा बहुत। पूछना ही नहीं हुआ हेल्प के लिए। क्यों? करते ही नहीं ऐसा। कब नहीं किया हेल्प यार? तुमको पता हम यूट्यूब छोड़ रहे हैं आरोप में। क्यों? अप्रैल फूल। फटाफट से बनाते हैं यार ना, भूख लगी। सुबह से भूखे हैं और दिन भी लंबे हैं, तो भूख लग जा रही है। मैंने भगवान जी के लिए भोग भी बना लिया है, अब चलते हैं मंदिर में पूजा पाठ करके ना फिर खाना खा लेते हैं। और ना आज मैंने फल फ्रूट वगैरह भी बहुत कम खाया, मतलब जो उसकी वजह से ना मेरे पेट में दर्द भी होने लग गया, शायद भूख से हो रही। हम लोग पूजा तो करके आ गए हैं, अब गोगराज दे के आते हैं, उसके बाद हम लोग भी खा लेंगे। तो दोस्तों गाय को भी दे दिया है। कुंडा मारना बहुत टिपिकल है इस दरवाजे में। ये वाला कुंडा है भाई, इसको क्या बोलते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अपना फटाफट से खाना खा लेते हैं, दही के साथ पूरी खाऊंगा मैं तो, बाकी भूमि लोग खीर खाएंगे।